वॉज कि यहाँ पे आपको जो समंदरी कुछ जानवर हैं उनके आपको रिमेन्स पत्थरों पे मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी दौर में ये जगह जो है पानी से भरी हुई थी और फिर आस्ता आस्ता खुश्क होता होता ज़मीन से ये जो पत्थर हैं सब निकले एंड देन दिस। जैसे जैसे अब मैं ऊपर जाते जा रही हूँ और जैसे जैसे अब ये मंज़र क्लियर होता जा रहा है, एक अजीब सी सोच में मैं मुबतला हो रही हूँ कि यहाँ के लोग उस दौर में किस तरह से रहते होंगे, उनका रहन सहन क्या होगा। ये किसी का घर होगा उस दौर में जो कि ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। तो इसकी अभी आगे चल के मज़ीद डिटेल्स देखते हैं कि ये जो पत्थरों से घर बने हुए हैं ये किस तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गारा या सीमेंट किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो ऊपर चल के देखते हैं कि एक्चुअली इसकी असल हकीकत क्या है। आप ये देखें कि उस दौर में भी लोगों ने अपने घर इतनी खूबसूरती और इतनी नफासत से बनाए थे। अब हालांकि उस दौर में कोई यहाँ पे किसी किस्म का कोई मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया सिवाय इन पत्थरों के, या उनके पास कुछ औज़ार होते होंगे जिनसे उन्होंने इन पत्थरों को तराशा होगा और फिर इनको यहाँ पर अपने घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो जगह है तुलाजा फोर्ट या तुलाजा सिटी, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं तो उस नस्बत से इसको तुलाजा सिटी भी कहा जाता है। ये जो तुलाजा फोर्ट है बेसिकली कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इट इज़ लाइक 5000 ईयर्स ओल्ड, 5000 साल पुराना है। और इसकी जो तहजीब है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वादी सिंध की जो तहजीब है उससे मिलती है। लेकिन अभी के जो आसार कदीमा के माहरीन हैं उनका कहना ये है कि इन घरों का जो कि यहाँ पे मिले हैं कुछ रिमेन्स की फॉर्म में, उनके स्ट्रक्चर से एक्चुअली वो ये गेस करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है कोई 5000 साल पुरानी नहीं होगी। उसके अलावा जो उन्हें ग्राउंड प्लान दिखा है और उसके अलावा सर्फेस कलेक्शन से ख़ास तौर पर उन्हें यहाँ से जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनके जो इस्तेमाल में थी, जैसे कि उनके बर्तन हो गए टूटे हुए या कुछ और भी चीज़ें जितनी भी उन्हें यहाँ से चीज़ें मिली उसके अकॉर्डिंग दे थिंक कि इनकी जो सिविलाइजेशन है हो सकता है कि तकरीबन ये 2000 साल पुरानी हो। सो दिस इज द करंट रिसर्च। लेकिन चूंकि ये ऐसी जगह है कि जिसके हवाले से आपको हिस्ट्री में भी कुछ नहीं मिलता, तारीख में इसके हवाले से कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि इसको किसने बनाया, फिर किसने फतह किया या नहीं किया और किस बादशाह ने बनाया, कब बनाया, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो उसकी वजह से आप इसको गैस नहीं कर सकते। तो इसका वाहिद जो हल वो ये है, वो आई गेस इसी तरह से होगा कि आइंदा कुछ आने वाले सालों में, जैसे अगले 5, 10, 15, 20 सालों में, जो इस पर मज़ीद रिसर्च होगी विद टाइम एक्सप्लोर होगा और पता चलेगा कि आखिर ये जगह कब बनाई गई और किस तरह से बनाई गई और यहाँ के लोग जो हैं उनका रहन सहन किस तरह से था। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है बिकॉज अगर आप ये देखें कि ये पहाड़ी जहाँ पे एक्चुअली वो रह रहे हैं उसके बिल्कुल करीबी नीचे एक जो नदी है वो बहती है, तो इसकी एक मेजर रीज़न होती है बिकॉज वाटर इज़ अ मेजर सोर्स फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो अपनी जो एक आबादी है उस जगह करीब बनाता है जहाँ पर कहीं पर भी वाटर का रिसोर्स हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि उन्होंने अपनी यहाँ पर जो आबादी है वो बनाई। दूसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पे है और हर तरह से यहाँ पे प्रोटेक्शन है। फिर आप अगर दूसरी तरफ देखें यहाँ पे ऑन माय लेफ्ट एक्चुअली तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज दैट्स अ वर्टिकल स्टोन जिसके ऊपर ये पूरी आबादी मौजूद है, आपको नीचे एंड तक सिर्फ खाई नज़र आएगी। सो ये दूसरी वजह थी यहाँ पे एक्चुअली इनके घर बनाने की और ये फोर्ट बनाने की कि हर तरह की जो इन्हें प्रोटेक्शन वो भी मैसर रहेगी। सो ये कुछ कह लेंगे इन्फॉर्मेशन है जो कि रिसर्चर्स के थ्रू हमें मिली हैं और हम तक पहुंची हैं, विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू गाइस एज वेल। तो भी यहाँ पे कुछ और जगह भी देखने वाली और आपको भी दिखाने वाली, तो भी देखते हैं उन जगहों को और उनकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ।
मैं जो इस जगह के बारे में सोच कर आई थी कि तुलाजा फोर्ट है ये, और वहाँ पर जाके मुझे फोर्ट से रिलेवेंट कुछ चीज़ें मिलेगी, कला होगा, उसके कुछ रिमेन्स होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं है जो हम सोच कर आते हैं एक्चुअली। चूँकि इस जगह के बारे में ये भी मशहूर है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलाजा सिटी है, तो मुझे ज़्यादातर ये जगह स्पेसिफिकली सिटी के हवाले से महसूस हुई, क्योंकि हमें बहुत सारे आपको घर भी मिलते हैं यहाँ पे, कब्रिस्तान भी है नीचे इनफैक्ट मौजूद, और उसके अलावा यहाँ पर मस्जिद भी मौजूद है, जिसे आप आइडिया कर सकते हैं कि जिस भी दौर में यहाँ पे लोग रहा करते होंगे, मुसलमान भी उनमें एक कौम डेफिनेटली होगी। और ये जगह जो है ना, बेसिकली ये हिस्ट्री लवर्स जो हैं उनके लिए बड़ी ख़ास जगह है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ख़ास जगह है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुनने में आता है, जब यहाँ पे मैं आई थी इस जगह के हवाले से, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे चीज़ें स्पेसिफिकली मिल जाएं, लेकिन मिली नहीं। व्हाट आई हर्ड वाज कि यहाँ पे आपको जो समंदरी कुछ जानवर हैं उनके आपको रिमेन्स पत्थरों पे मिलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी दौर में ये जगह जो है पानी से भरी हुई थी, और फिर आस्ते आस्ते खुश्क होता होता ज़मीन से ये जो पत्थर हैं सब निकले, एंड देन दिस होल थिंग हैज़ बिन बिल्ड अप, सो कुछ वो रिमेन्स भी मिलते हैं। सो आर्कियोलॉजी के हवाले से भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, हिस्ट्री के हवाले से और जियोग्राफी के हवाले से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है एज वेल। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जो कि हिस्ट्री से मोहब्बत रखते हैं, लाजमी आइएगा, इस जगह को विजिट करें, यू विल फील द वाइब। एंड देयर इज अ लॉट मोर टू कम, आगे एक और जगह है जहाँ पे मुझे आई फील लेके जाना चाहिए। सो अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम गुजार लिया है, वहाँ चलते हैं ताकि फिर हम क्विकली जो है वापस भी जा सकें। तुलाजा के जो लोग थे वो तीन जगहों पे आबाद थे। एक तो वो जगह जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये तुलाजा पहाड़ी है बेसिकली, तो एक आबादी का हिस्सा तो यहाँ पे मौजूद था। एक और पहाड़ी है जिसका नाम है तुलाजी। अच्छा, वो जो पहाड़ी है वहाँ पे कुछ हिस्सा आबादी का मौजूद था। अच्छा, तीसरा जो एक आबादी का हिस्सा मौजूद है उसका मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस बताती हूँ। जिस रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं, चूँकि इसका एग्जिट का और एंट्रेंस का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड है एक आबादी का हिस्सा जो है वहाँ पे मौजूद है। और ऐसा सुनने में आता है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका कहना ये है और उनके बुजुर्गों का कहना ये है कि बेसिकली हो सकता है कि शायद इन्होंने ये जो डिवीजन है आबादी की, शायद हो सकता है कि क्लास की बेस पे की हो, कि हो सकता है कि जो नीचे लोग रहते हैं वो लोअर क्लास उनको कंसिडर किया जा रहा हो और वो वहाँ पे इसलिए वहाँ पे रह रहे हो, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं शायद हो सकता है कि इनको अपर क्लास कंसिडर किया जा रहा हो या अली क्लास कंसिडर किया जा रहा हो, शायद इस तरह से कैटेगराइजेशन हुई हो। और एक और रेफरेंस जो कि सुनने में आता है वो ये भी है कि जो नीचे आबादी, हो सकता है ऐसे हो कि जब कभी हमले का खदशा हो या कोई और ख़तरा हो तो शायद जो नीचे लोग होते हैं वो फिर ऊपर आबादी पे आ जाते हैं और यहाँ पे वो प्रोटेक्शन महसूस करते हो। सो दिस इज़ अबाउट तुलाजा की आबादी के हवाले से, दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस, और आई गेस आई हैव ऑलमोस्ट शोन यू यहाँ की जितनी जगह, शायद एक आध और जगह मिल जाए यहाँ पे जो कि हमें पता चली कि मौजूद हैं, जैसे तालाब सुना है कि यहाँ पे मौजूद है, तो अगर वो भी हमें करीब मिल जाता है और अगर टाइम भी मुझे डेफिनेटली मिल जाता है तो मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी दिखाऊँ।
मैं इस वक्त उलाजा की टॉप मोस्ट प्लेस में मौजूद हूँ और यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है क्योंकि बेसिकली जो पहाड़ी ना दैट्स इन वर्टिकल फॉर्म लाइक दिस, इट्स स्ट्रेट लाइक दिस. तो यहाँ से जो आपको नीचे का व्यू मिलता है, नीचे वादियों का, बहुत ही खूबसूरत है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर द नेचर लवर्स एज वेल. अगर आपको कुदरत के मनाजर से मोहब्बत है या इश्क है तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेस फॉर यू गाइज एज वेल. और इसके अलावा हिस्टोरियंस के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ प्लेस टू कम एंड विजिट एंड सी. और इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक आर्कियोलॉजी से है तो आप तब भी इस जगह पर लाजमी आइएगा. और एडवेंचर जितने भी लोग करना चाहते हैं ना, बाइक का एडवेंचर खास तौर पर बड़ा मज़े का ट्रैक है और आप उसके लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं. हाइकिंग भी हो जाती है तो सारी चीज़ें जो है ना मिक्सअप इंक्लूडेड एक्चुअली इसमें. हाँ, फैमिलीज के लिए इट्स नॉट सूटेबल राइट नाउ. उसकी रीज़न ये है कि इसका ट्रैक तो है लेकिन एक हद तक है, आगे आके आपको झाड़ियों में से गुजर के आना पड़ता है. इनफैक्ट लेट मी शो यू, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनफैक्ट हाथ पे भी देखें चिपक रही हैं. इनको बखाड़ा कहते हैं कुछ, आई एग्जैक्टली डू नॉट नो क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बखड़ा. तो इसको लोकल लैंग्वेज में बेसिकली बखड़ा कहते हैं. तो ये जो है ना, ये आपके बाजुओं पे यूं यूं चिपक जाता है. तो जब भी आप झाड़ियों में से गुजरेंगे तो ये डेफिनेटली आपको चिपकेगा. तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी यहाँ पे आए, एक एहतियात लाजिम करनी है, वो ये कि आप फुल स्लीव्स पहन के आएँ ताकि इससे आप बच सकें. तो फैमिलीज के लिए अभी ये स्पेस उस तरह से नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो चूंकि इस पर DDCP अभी दे आर वर्किंग ऑन इट, तो कुछ टाइम तक इंशाल्लाह ये जगह जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगी, फैमिलीज के लिए भी रास्ता बन जाएगा. देन यू कुड कम विद योर फैमिलीज एज वेल एंड डू ट्राई टू कम इन अ गुड वेदर. जैसे अभी सर्दी है फुल, दिसंबर का मौसम है, लेकिन ऊपर आते आते हमें गर्मी बीच में लगना शुरू हो गई थी, बिकॉज हाइकिंग इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है.